गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरा वीकली करेंसी एनालिसिस पे। आज है 18 जून 2022। आइए देखते हैं कि ये जाने वाले हफ्ते में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और आने वाले दिनों में, हफ्तों में और महीने में क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में कल परसों के लो के लेवल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किया है। हमारा जो कल का मॉर्निंग का एनालिसिस था, वहां पर भी हमने एक एक्सपेक्ट किया था कि ये अगर एक फ्राइडे को एक आगे ग्रीन कैंडल आ जाता है एंड मंडे को इसके लो के नीचे अगर तोड़ता है तो हमें एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव देख सकते हैं। वीकली पार्ट में देखेंगे कि लास्ट वीक एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है, दैट मींस ये एक इंडिसेशन कैंडल है। ऑल्सो हम अगर देखेंगे सम सॉर्ट ऑफ आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन से, आउटसाइड इन सेट फॉर्मेशन से, तो ये स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे यहाँ पर ये नेकलाइन तक आने का प्रोबेबिलिटी बन सकता है। अगर नेकलाइन के लो के नीचे क्लोज दे देता है तो एम पैटर्न फॉर्म हो के आपका यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। तो पहले वीकली बेसिस में इंडिसेशन से इसके लो के नीचे अगर सस्टेन करता है डेली बेसिस पे तो हम यहाँ तक देख सकते हैं, डेट इज 101.2050 के तरफ। उसके लो के नीचे सस्टेन करता है तो हम इसको 97.7080 के तरफ हम सोच सकते हैं, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम है, काफी टाइम लग सकता है। अगर हम मंथली में देखने का कोशिश करेंगे, मंथली में ये एक सम सॉर्ट ऑफ डबल टॉप फॉर्मेशंस हो रहा है। यहाँ पे ये तोड़ के क्लोज देने का कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी भी 2 हफ्ता बाकी है क्लोजिंग्स में। यहाँ पे कैसे क्लोज देता है या नीचे आता है, उसके बाद फॉलो थ्रू कैसे होता है, ये मंथली टाइम फ्रेम में हमें देखना है। अगर हम डॉलर रुपये मंथली चार्ट देखेंगे, काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक आपका आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस हो रहा है, जहां पे एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि ये 77.3040 के तरफ आए, देयर बाय आउटसाइड इनसाइड का टारगेट कंप्लीट हो सकता है। और इसके नीचे अगर 77.30 के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो यहाँ पे एम पैटर्न हो सकता है, जिसके लिए हमें 76.40 76.50 की तरफ देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमें क्या देखना है, पहले ये पिछले हफ्ते के लो के नीचे डेली बेसिस में क्लोज देना है एंड इसको यहाँ तक आना है, यहाँ तक 77.30 35 तक आना है। उसके बाद 77.30 35 के नीचे क्लोज देना है तो ये 76.40 की तरफ आएगा। तो एज ऑफ नाउ ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो हमें ब्लाइंडली शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करना है, दिस इज ओनली एन एंटिसिपेशन। अगर हम डेली चार्ट डॉलर रुपी का देखेंगे तो कल जैसे हमने मॉर्निंग एनालिसिस में, प्री मार्केट एनालिसिस में जो हम सोच रहे थे कि आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन में एक हल्का सा ग्रीन कैंडल आ जाए एंड मंडे ऑनवर्स इसके लो के नीचे ट्रेड करे तो एक सेल ऑफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मंडे को अगर फ्राइडे वाला लो के नीचे सस्टेन कर जाता है फॉर 1-2 घंटा, देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि डॉलर रुपी विल हेड टुवर्ड्स 77.35 to 40। रीजन क्या है, रीजन यही है जो मैं पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ, दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड एंड इन सच ए केस जैसे ही फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो अदर साइड ऑफ द रेंज में काफी तेजी से जाने का प्रयास कर सकता है। अगर हम जीबीपी डॉलर का देखने का कोशिश, तो मंथली में हम क्या देख रहे हैं, जीबीपी डॉलर एट द बॉटम पार्ट में है। जो देखिए आप अक्टूबर 2016 में ब्रेक्सिट के टाइम पे लो मारा था, फिर आपका यहाँ पे मार्च 20 कोरोना के टाइम पे एक लो मारने का प्रयास किया था एंड फिर अभी यहाँ पे आया है। तो एक पिक्चर परफेक्ट रेक्टेंगल परफॉर्मेशन से अभी मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करना चाहिए, तब जाके यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो यहाँ पे आइदर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का कोशिश करेगा या थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकडाउन करके यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या क्या करेगा, ये हमें आने वाले दिन में केयरफुली देखना है।
अगर हम वीकली जीबीपी डॉलर का प्राइस एक्शंस देखेंगे तो यहाँ पे एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस हुआ है। आउटसाइड इनसाइड इन बोलिंजर बॉन्ड, जिन लोगों को पता नहीं है, आने वाले दिन में इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। ऑल्सो वीकली एक पिन बार टाइप ऑफ फॉर्मेशंस हो रहा है इसके हाई के ऊपर, लास्ट वीक के हाई के ऊपर थोड़ा सा ये नेक लाइन तक आने का कोशिश करेगा। ये नेक लाइन के ऊपर अगर क्लोज दे देता है देन इट विल फॉर्म ए डब्ल्यू, एंड इन सच ए केस डब्ल्यू का जो टारगेट हो जाएगा फिर 1.27 एंड 1.22, यानी 5 बीगे 27 एंड 5 32, 1.32 के तरफ जाने का प्रयास करेगा, यानी समवेयर हियर उसका होगा टारगेट। आई रिपीट, पहले वीकली में ये आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन है तो यहाँ पे इसको पहले नेक लाइन तक आना है, दैट इज 1.2650 के आसपास आना है। एक बार ये नेक लाइन के ऊपर क्लोज दे देगा देन द डब्ल्यू विल कम इनटू प्ले। ए डब्ल्यू का टारगेट जो हो जाएगा फिर 1.32 के तरफ होगा। सो यहाँ पे दो लेयर ऑफ एंटिसिपेशन से प्राइस हमें आने वाले दिन में देखना पड़ेगा कि इस एंटिसिपेटेड लाइन पे प्राइस एक्शंस वर्क करता है या नहीं। जिन लोगों को एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न पता नहीं है, उन लोगों के लिए मैं आने वाले दिन में कुछ वीडियोस बना के लेके आऊंगा ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाए। अगर हम डेली में देखने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, डेली में एक ये जो लो था उसको लो को ब्रेक करके आपका फिर फॉल्स ब्रेकआउट टाइप का फॉर्मेशन कर रहा था। यहाँ पे 16 तारीख को बीओई ने एक स्पेशल मीटिंग था जिसके वजह से ये आपका एक अच्छा खासा बुल कैंडल्स देखा गया है। अभी हमें मंडे ऑनवर्ड्स देखना है। यहाँ पे जो एक फ्राइडे वाला इनसाइड बार फॉर्म किया है, बड़ा वाला ग्रीन कैंडल के अंदर में एक छोटा कैंडल बनाया हुआ है, तो इसको हाई, ये इनसाइड बार तो क्या हो सकता है कि इसके हाई के ऊपर, यानी आपका मदर कैंडल के हाई के ऊपर, यानी 1.2405 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें एक मूवमेंट मिल सकता है टुवर्ड्स 1.2650 के तरफ। यूरो डॉलर मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि आपका मई महीने में एक यहाँ पे कंसोलिडेट, यानी जो बॉटम है, देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशंस था एंड मई महीने में एक कंसोलिडेट करके यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बनाने का कोशिश किया था, लेकिन जून महीने में इक्वली एक सेलिंग कैंडल आ रहा है। हालांकि अभी भी 2 हफ्ता बाकी है, यहाँ पे 2 वीक्स आर लेफ्ट आउट हियर। सो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये वाला कैंडल यहाँ पे ही सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन हो जाए, एंड आने वाले महीने में यानी जुलाई ऑनवर्ड्स अगर ये 2 कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो ये जो सपोर्ट है इट विल बी कंस्ट्रूड एज कि ये जो सपोर्ट को दैट प्राइस एक्शन इज रेस्पेक्टिंग, क्योंकि सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस विल बी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस इफ प्राइस एक्शन रेस्पेक्ट्स। अगर रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज रेजिस्टेंसेस। सो कहने का मतलब प्राइस एक्शन से हमें देखना पड़ेगा कि इस एरिया को रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में भी सम सॉर्ट ऑफ ये आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस हुआ है इन बोलिंजर बैंड, तो यहाँ पे हमें अभी प्राइस एक्शन लोअर टाइम फ्रेम में देख के बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, क्या बाइंग देखा जाएगा एंड ये नेकलाइन तक आता है या नहीं। नेकलाइन का लेवल क्या है, 1.08। उसके बाद ये नेकलाइन के ऊपर अगर प्राइस एक्शन डेली बेसिस में सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे डब्ल्यू विल कम इनटू प्ले, एंड उसके लिए 1.08 एंड 1.04 चार बिगी। सो टेंटेटिव 1.12 का हमारा टारगेट हो सकता है। ये एक रफ क्रूड एस्टिमेट है, तो एज ऑफ नाउ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यूरो डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.12। हमें ये जो 2 लेयर ऑफ एनालिसिस हमें देखना पड़ेगा, प्राइस पहले इस नेकलाइन के टच करना पड़ेगा देन उसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा देन द डब्ल्यू विल कम इनटू प्ले। तो डेली में हम
अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे आपका फिर ये लेवल पे सपोर्ट लेके फ्राइडे को एक थोड़ा सा पुल बैक नीचे की तरफ दिया गया है। अगर इसके हाई के ऊपर कंटिन्यू करता है, कौन सा हाई आपका 16 तारीख का हाई के ऊपर कंटिन्यू करता है, तो हम इसको फिर 1.08 की तरफ देख सकते हैं। डॉलर येन मंथली चार्ट देखेंगे, बहुत ही बुलिश एक्टिविटीज यहाँ पे है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और हमारा जो ये टारगेट था एज ए यहाँ पे रेजिस्टेंस करेगा या नहीं, ये आपका अप्रैल महीने में कन्विंसिंगली तोड़ दिया, मई महीने में थोड़ा सा पॉज कैंडल बनाया एंड जून में ये और भी ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी मंथली टाइम फ्रेम में बहुत ही आपका स्ट्रेंथ यहाँ पे है, तो ये कहाँ तक मंथली टाइम में जा सकता है? अगर मंथली टाइम फ्रेम में डॉलर येन का देखेंगे तो बहुत ही मींस अपर लेवल्स का टारगेट हो रहा है, दैट इज 150 के आसपास। ये मंथली टाइम फ्रेम है, सो इतना ज्यादा घबराने का नहीं है एंड रेगुलर बेसिस में हमें इसका प्राइस एक्शंस का देखना है कि ये 134 से 150 की तरफ जाता है या नहीं जाता है। वीकली में भी काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस था 131.50 के आसपास उसको तोड़ के कन्विंसिंगली 2 हफ्ते बैक टू बैक है, तो वीकली में भी काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि सेल ऑफ के लिए कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये जो डेली वाले में देखेंगे कि कल एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ अप मूव देखा गया है, लेकिन ये डेली का जो प्राइस सेक्शन है इसके हिसाब से अगर कल फ्राइडे का लो के नीचे कल या परसों प्राइस सेक्शन यानी मंडे या ट्यूसडे को प्राइस सेक्शन देता है तो थोड़ा सा हल्का सा हम सेल ऑफ दिख सकते हैं। ये सेल ऑफ जो है उसको हम लोअर लेवल पे बाई बैक के लिए देखने का एक प्रयास हो सकता है। जीबीपी एनर मंथली प्राइस एक्शंस देखेंगे, मंथली में काफी नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रहा है। प्राइस एक्शंस जो है ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड, लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड मींस काफी नेगेटिविटी है यहाँ पे। थोड़ा सा एक एक ही प्रयास है कि ये जो सपोर्ट लेवल है उसमें ये कैसे प्राइस एक्शंस बिहेव करता है ये हमें देखना है। यहाँ पे सपोर्ट लेता है एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली दिस लेवल, लेकिन इसके आसपास ये लेवल जो मिल रहा है 94.75, तो मैं भी 94.50 एरिया पे सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है हमें आने वाले दिन में देखना पड़ेगा, लेकिन प्राइस एक्शंस तो बहुत ही नेगेटिव बता रहा है। अगर हम वीकली में प्राइस एक्शंस देखने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे फिर सिमिलर एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये एक यहाँ तक नेकलाइन तक जाने का एक प्रयास कर सकता है, लेकिन हमें प्राइस एक्शंस देखना है कि यहाँ पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, बिकॉज मंथली में काफी नेगेटिविटी है। अगर यहाँ पे जाता है तो ये आउटसाइड इनसाइड का टारगेट हो जाएगा और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर डब्ल्यू विल कम इनटू प्ले। डब्ल्यू में 98.50 एंड 94.50 चार बीगी यानी 102.50 के तरफ, यानी ये यहाँ तक एक टारगेट करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पे दो लेयर ऑफ फॉर्मेशन से बेसिकली ऑल करेंसी पेयर्स आर मेकिंग सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशंस, यूरो डॉलर जीबीपी डॉलर डॉलर रुपी देन डॉलर इंडेक्स ऑल आर बिहेविंग इन अ सिमिलर पैटर्न। सो अगर मूव करेगा तो एवरी बॉडी विल मूव इन सेम पैटर्न, कोई ऊपर से नीचे आएगा तो कोई नीचे से ऊपर तक जाने का प्रयास करेगा। डेली में अगर देखने का प्रयास करेंगे तो ये जो परसों 16 जून में जो बीओई का स्पेशल मीटिंग था, बीओई का रेट डिसीजंस का, बिकॉज ऑफ दैट वन ये एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल देखा गया है, लेकिन कल उसका फॉलो थ्रू देखा नहीं गया है। बट इट मीन्स इसके बाद अगर इसके हाई के ऊपर यानी 16 तारीख के हाई के ऊपर सस्टेन करते तभी हम यहाँ तक देख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा सा साइडवेज टू डाउनवर्ड मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो में जो मंथली कैंडल है ये नेगेटिव है, लेकिन जीबीपी डॉलर के जीबीपी आईएनआर की तरह नेगेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे लो को तोड़ा नहीं है इस करंट मंथ में। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका प्राइस एक्शन ऑन ए मंथली बेसिस जब तक क्लोज नहीं दे देगा तब तक हमें सेल ऑप्टिक्स हम सोच सकते हैं।
अगर हम इसको वीकली बेसिस में देखने का कोशिश करेंगे, वीकली बेसिस में भी सम सॉर्ट ऑफ आउटसाइड इनसाइड है, लेकिन ये इंक्लाइंड वाला है, और अगर इसको यहाँ तक जाता है, इसके ऊपर क्लोज दे देता है आने वाले दिनों में, देन एंड ओनली देन हम एक इंक्लाइन डब्ल्यू इमेजिन कर सकते हैं। एंड ये ऊपर की तरफ इन सच ए केस आपका 81 एंड 83 हाफ, 2.5 रुपीज, सो 84, 86, 86 तक हम, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अभी ट्रेडिंग कॉल का फॉर्मेशंस हुआ नहीं है, हमें प्राइस एक्शंस देखना है। अगर हम डेली में यूरो आयनर का देखने का कोशिश करेंगे तो परसों के पुल बैक के बाद कल एक सेल ऑफ आया गया है, मीन्स एक नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आया देखा गया है। अगर इसको ऊपर जाना है तो 16 तारीख के हाई के ऊपर कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी जाके हम यहाँ पे कुछ देख सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट। अगर हम JPY INR में हम देखेंगे मंथली चार्ट में, तो मंथली चार्ट में काफी नेगेटिविटी दिख रहा है, जैसे हम GBP INR में देख रहे थे कि देखिए सम सॉर्ट ऑफ दिस वन, ये लो को तोड़, यानी JPY INR में और भी ज्यादा नेगेटिविटी है इन मंथली टर्म्स। लेकिन अभी हमारा जो प्रोबेबल सपोर्ट लेवल ये है, यहाँ पे है, तो अभी अगर हम इसको वीकली में देखने का कोशिश प्रयास करेंगे तो यहाँ पे सेल ऑफ कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर कमिंग हफ्ता अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है समथिंग लाइक, देन एंड ओनली देन आपका ये आउटसाइड इनसाइड फॉर्म होगा, इन सच केस यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कन्विंसिंगली देखना है कि क्योंकि डॉलर येन काफी स्ट्रांग है, तो डॉलर येन अगर ऊपर की तरफ स्ट्रांगली मूव करेगा तो येन आयना नीचे की तरफ और भी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ नीचे जाने का प्रयास कर सकता है। अगर हम येन आयनर को डेली टाइम फ्रेम में इसका एक्टिविटी को समझने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है इसके लो के नीचे अगर आवरली बेसिस में कुछ सस्टेन करेगा तो एक सेल ऑफ दिख सकते हैं हम यहाँ पे। एंड 16 तारीख के हाई के ऊपर ही थोड़ा सा बाइंग का कुछ एक्टिविटीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी मंथली में देखेंगे एक अच्छा सा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है जो मई महीने का जो हाई है उसको चैलेंज करने का कोशिश कर रहा है। ये जो लेवल है रेड लाइन वाला लेवल है 1.30 के आसपास, इसके ऊपर अगर कन्विंसिंगली क्लोज दे देता है देन वी मे एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 1.34। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर देखो पहले कितने टाइम ये प्रयास किया था तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पाया था। अभी ये फर्स्ट टाइम इतनी नवंबर ऑनवर्ड्स, नवंबर 2020 के बाद दिस इज द फर्स्ट ओकेशन जहां पे डॉलर कैंडी इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज दिया है। इट्स अ ग्रेट साइन बिकॉज इसके हाई के ऊपर अगर आने वाले हफ्ते में कुछ मूव होता है देन देन ये मूविंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टारगेट 1.34 के तरफ। इसको डेली टाइम फ्रेम में अगर समझने का कोशिश करेंगे तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस ए वाला है 1.3080, 1.3100, इसके ऊपर आने वाले दिनों में अगर क्लोज दे देता है देन एंड ओनली देन इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.34। ऑसी डॉलर अगर मंथली देखेंगे, इसमें मंथली में भी एक नेगेटिविटी इज अंडर फॉर्मेशन, हालांकि अभी भी 2 हफ्ता बाकी है। अगर ये मई महीने के लो के नीचे मंथली क्लोज दे देता है तो यहाँ पे अच्छा खासा एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली में अगर देखेंगे तो एक बार ये जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ के ऊपर गया, जाके यहाँ तक आ चुका था, फिर दोबारा ये यहाँ पे चैलेंज कर रहा है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि इसके लो के नीचे यानी आपका 9 मई वाला जो वीकली कैंडल है इसके लो के नीचे क्लोज दे देता है या नहीं।
या दोबारा एक बुलिश कैंडल बना के फिर यहाँ तक आएगा, ये हमें आने वाले हफ्ते में देखना है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखने का कोशिश करेंगे, डेली में अभी एक ये जो है, ये जो सपोर्ट प्रीवियस ये अच्छा खासा एक सपोर्ट देख रहा है, जब तक इसके लो के नीचे क्लोज एंड फॉलो थ्रू नहीं दे देता है, तब तक ये यहाँ की रेंज में ट्रेड करने का एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। सीएनएच, डॉलर सीएनएच में हम देखेंगे कि ये जो मंथली कैंडल है, सम सॉर्ट ऑफ स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप इटसेल्फ इज ए इंडिसीशंस। तो यहाँ पे कुछ क्लैरिटी मंथली टाइम फ्रेम में दिख नहीं रहा है। एक ही चीज है, ये जो करंट मंथ का कैंडल जो अंडर फॉर्मेशन है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आपका मई महीने के जो एंटायर रेंज है उसके अंदर में है। दिस इज सम कॉल्ड ए इनसाइड बार। हालांकि अभी भी 2 हफ्ता बाकी है, तो अगर इसके अंदर में, मई महीने के रेंज के अंदर में अगर रह जाता है, इट विल बी कंसीडर्ड एज एन इनसाइड बार। इन इन सच ए सिनेरियो, ब्रेक ऑफ आइदर साइड विल लीड टू ए मोमेंटम। अगर हम वीकली में देखने का कोशिश करेंगे, तो जैसे हम आउटसाइड इनसाइड का बात कर रहे थे, यहाँ पर भी एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन हो रहा है। तो आने वाले इसके हमें देखना है कि ये जो नेक लाइन है, नेक लाइन को टच करता है या नहीं करता है आने वाले दिन में। अगर नेक लाइन को टच करने के बाद क्लोज दे देता है, देन एम पैटर्न विल कम इनटू प्ले। इन सच ए सिनेरियो आपका 6.625 एंड 6.79 यानी आपका 17 बिगेस्ट, 6.62 एंड 17 1.45, यस 1.4 6.45 के तरफ एक एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। बट ऑल दिस आर द वीकली कैलकुलेशंस, सो डोंट एक्सपेक्ट कि इमीडिएटली हो जाएगा। यहाँ पर भी लेयर सिस्टम है, पहले इसमें नेकलाइन तक आना पड़ेगा एंड नेकलाइन के लो के नीचे क्लोज दे के फिर फॉलो थ्रू देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ मूव हो सकता है। अगर हम डेली में देखने का कोशिश करेंगे, तो क्या हो रहा है कि डेली में एक देखो आप कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आपका आ रहा है, यानी सम सॉर्ट ऑफ ये डाउनवर्ड मूव में आपका यहाँ तक एक टारगेट बनने का कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये हाई इंटेक्ट है, यानी जब तक ये हाई को प्रोटेक्ट कर रहा है, तब तक एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि नीचे की तरफ ये आ जाए। अगर हम यूके ब्रेंट क्रूड का बारे में बोलेंगे, मंथली जो अभी भी 2 हफ्ता बाकी है, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड पिन बार अंडर फॉर्मेशंस है। अगर वीकली में हम देखेंगे, तो वीकली में क्या हुआ, ये जो लेवल था 1.124 वाला, वहां पे रिजेक्शंस होके फिर दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये फिर दोबारा ये 97 के तरफ आ जाए, उसके लिए प्राइस को पहले ये सेंटर बैंड के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। और हम इसको डेली का प्राइस एक्शंस देखेंगे, डेली में कन्विंसिंगली ये लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा हम सेल ऑप्टिक्स के लिए थोड़ा सा खेल सकते हैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में। एनी ऑप्टिक मे बी सोल्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम यूएस 10 ईयर ट्रेजरी का मंथली चार्ट पे देखने का कोशिश करेंगे, ये जो ऑल टाइम हाई में, ऑल टाइम हाई बेसिकली नहीं है, ये स्विंग हाई है। स्विंग हाई का जो है दैट इज 3.25, यहाँ पे एक शॉर्ट पीरियड के लिए ब्रेक कट गया था, लेकिन इसके हाई के ऊपर अभी तक सस्टेन नहीं हुआ है। हालांकि अभी भी आपका 2 हफ्ता इस प्राइस सेक्शन में बाकी है, तो हमें मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे ये आपका 3.49 समथिंग आया था, 3.497, यस, तो लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया एंड दिस पर्टिकुलर इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाई को इमीडिएटली मंथली बेसिस में क्लोज देने का प्रयास नहीं करेगा। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में एक इन्वर्टेड इनवर्ट बनाया है, यानी अपर लेवल पे प्राइस गॉट रिजेक्टेड। व्हाट इट मींस, यहाँ पे फिर दोबारा आप देखो आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस है, और ये इसके लो के नीचे अगर दे देता है तो प्राइस एक्शन कन्विंसिंगली आता है, तो हम इसको नेकलाइन तक यानी 2.70 2.71 की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन वीकली बेसिस। एंड इसके नीचे अगर कन्विंसिंगली ब्रेक करता है, तो फिर दोबारा
एम पैटर्न का टारगेट, लेकिन लगता नहीं है कि इतना इसमें इतना स्ट्रेंथ है कि लगता नहीं है कि ये यहाँ तक आ जाएगा 2.20, इतना पॉसिबल है नहीं। ये पॉसिबल तभी होगा जब आपका यूएस का इन्फ्लेशन फिगर्स मीन्स आपका काफी अंडर कंट्रोल हो पॉलिसी मेकर्स का। पॉलिसी मेकर्स इन ए पोजीशन टू कंट्रोल द यूएस इन्फ्लेशन फिगर्स इन ए कन्विंसिंग मैनर, देन एंड ओनली देन हम इसको नीचे के तरफ देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ देयर आर नो प्रोबेबिलिटीज इमीडिएट पॉसिबिलिटीज के ये आपका 2.05 से 2.10 की तरफ जाए, सो इट इज टोटली निगेटिव। ओनली फॉर थ्योरी पर्पस हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके लो के नीचे आएगा तो 2.70 एंड आपका 3.25 यानी 45 पॉइंट, 2.70 एंड 45 हो गया 25। हाँ यस 2.25 ओनली फॉर थ्योरी पर्पस, ये इमीडिएटली आएगा नहीं क्योंकि इन्फ्लेशन इज अ मैक्रो थिंग, मैक्रो एक्टिविटी जो इंस्टेंटली एक दो हफ्ते में या एक आधा महीने में सॉल्व नहीं होता है। तो ये जो है ओवरऑल एक एनालिसिस है जहाँ पे हम मंथली वीकली एंड डेली में क्या क्या एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर एक समझने का प्रयास किया था। वीडियो थोड़ा काफी लंबा हो चुका है, 26 मिनट का हो चुका है, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप ये वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो, एंड मीन्स इतना समय देने के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन ये वीडियो को इतना समय तक देखने के लिए। एंड दिस गिव्स दैट आई एम जस्ट एट मीन्स सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडिशंस हम आपके एनालिसिस के ऊपर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का एक एप्रिसिएशन आपके तरफ से आप जब ये वीडियो पूरा का पूरा लास्ट तक देखोगे। तो ये जो वीकली एनालिसिस है अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।